क्या नाम है आपका जी? बाबू। ये गाड़ी खड़ी हुई है तो आपको खतरा भी है किसी चोरी की हो सकती है? चोरी क्यों की आगे पूछ लगे कौन की हमें खबर कौन पूरे वैसे खड़ी को आग लगा दी आग लगा दे और गाड़ी की आग लगी होगी ये तो नहीं कि आपके मोहल्ले के किसी रिश्तेदार की हो पंडित जी ने करी है हमारे एक ही बात है। अच्छा तब क्या मांग है आपकी? मांग क्या ये गाड़ी उठ जाए और क्या कर लेता हूँ ना पूरे मोहल्ले में पूरे मैं सबसे पूछ के आ गया हूँ। सब कह रहे कि हमारी गाड़ी नहीं है हमारी गाड़ी नहीं है। नहीं मोहल्ले के किसी रिश्तेदार की होगी रिश्तेदार की होती तो कोई कहता हाँ हमारी खड़ी है। मैंने एक एक गाड़ी का नंबर हर किसी को बता के आया। मैंने कही वहाँ गाड़ी खड़ी है। मैंने कहा वहाँ गाड़ी खड़ी है भैया खत्ते में से गाड़ी हटवा दो हमारा खत्ता नहीं उठ रहा। सही बात तो ये है। और कोई यहाँ पे सब हाथ तापते है जी बैठते बड़े बूढ़े जैसे आ जाते हैं रात के टाइम अंगारी उड़ के वहाँ चली जा रहे एक गाड़ी के साथ में सारी गाड़ी जाएगी जी CNG हो रहे। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है जी? यो तो नहीं पता मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो चला गया था। इन्होंने इन्हें ही पता बड़े बूढ़े ने हमारे ने। क्या नाम है तुम्हारा? विकास नाम है जी। गाड़ी खड़ी हुई है आपके यहाँ भैया? इसको कई दिन हो गए हैं रात को कोई पता नहीं कौन कर गया है। 112 पे टेलीफोन करो पुलिस भी आई के जी ले जाएंगे अब तक तो कोई लेने आ गया और न पता न किसकी है किसकी नहीं है ना अब तक बोला आया है चोरी की है कहाँ की नहीं है कुछ पता नहीं। तो जो आपने पुलिस को कंप्लेंट करी है तो पुलिस ने क्या जवाब दिया आपको? कुछ नहीं वो 112 वाले आए थे उन्होंने हमको हमने बताया कि गाड़ी खड़ी है किसी की चोरी की या किसी की हमें पता नहीं है। वो हमें लेके भवनकुंड चौकी गए पहले तो वहाँ गए हथीन गेट से कही जी वहाँ कंप्लेंट करा वहाँ गए उनने कहा कि हम ले आएंगे अब तक तो कोई आया नहीं इसको लेने।